में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अभी टीनेज में होंगे और उनकी एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। सो टेंशन मत करो, आज उसी का सोल्यूशन मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ पिंपल्स की। देखो यार, जब मैं अपने टीनेज में थी ना, उस टाइम पे मुझे भी बहुत ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम होती थी। एंड पिंपल्स के बाद सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, कि उसके मार्क्स बड़े ही गंदे आपकी स्किन पे पड़ जाते हैं। मतलब हम पिंपल्स को जनरली ना पॉपअप कर देते हैं, पॉपअप करने के बाद ना आफ्टर अ सर्टेन टाइम उसके गंदे गंदे मार्क्स या जिसको हम कहते हैं एक्ने मार्क्स हमारी स्किन पे हो जाते हैं। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीनेज के टाइम पे ना जनरली इतने ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में कि पिंपल्स का होना आम ही है। मतलब टीनेज को पिंपल्स तो होते ही हैं। अब ये बात भी नहीं है कि हर एक टीनेज को पिंपल होते हैं, मतलब मेजॉरिटी केसेस में टीनेज को पिंपल्स देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले ना एक चीज तो तुमने करनी ही है कि जब भी तुम्हें पिंपल्स हो उसको तुमने पॉप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर हम पिंपल्स के ऊपर हाथ लगाते ना तो हाथ लगाने की वजह से ना वहां पे इन्फेक्शन बिल्डअप हो सकता है और वो पिंपल्स बहुत ज्यादा पस ही हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे हम हाथ लगाते हैं या नाखून से उसको फोड़ देते हैं ना, उस केस में क्या होता है, वहां पे एक गंदा सा एक्ने मार्क्स पड़ता है जो कि बहुत मुश्किल से जाता है, इवन कई केसेस में तो जाता भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो यही चीज करनी है कि जब भी कोई पिंपल्स आपको हो भी जाए ना, तो उस केस में तुमने पिंपल को कभी भी पॉप नहीं करना। देखो ये बात तो समझ आ गई कि अगर टीनेज हो तो पिंपल्स होंगे ही होंगे, और दूसरा हमने पिंपल को फोड़ना नहीं है ताकि उसके दाग ना पड़े। लेकिन यार, जब पिंपल अगर हो गए तो उस केस में हम ऐसा क्या करें कि वो पिंपल ठीक हो जाए, तो उसी का तरीका मैं आज बताने वाली हूं। देखो टीनेज के पास इतना ज्यादा पैसा तो होता नहीं ना कि हम स्कूल जाने वाली एज में बहुत सारा पैसा स्किन केयर पे लगा दें। तो जनरली जो चीज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल है और तुम्हारे आसपास ना कहीं तुम्हें बहुत इजीली मिल जाएगी, एंड वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्तों में ना जनरली एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। दूसरा, कई बार क्या होता है ना, टीनेज के टाइम में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से कई बार हमारा जो ब्लड है ना वो भी पूरी तरह से प्योरीफाइड नहीं होता। तो अगर हम नीम के पत्ते खाते हैं ना अपनी डाइट में, मतलब 3-4-5 पत्ते, तो उससे क्या होता है, हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है, तो पीरियड्स के टाइम पे जो पेन वगैरह होता है उसमें भी काफी रिलीफ मिलता है। साथ ही हमारे स्किन में ना बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज नहीं रहती, हमारे स्किन में एक्ने पिंपल्स वगैरह कम होते हैं। अब नीम के पत्ते ना बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं, इसलिए इसको खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी चीज, अगर तुम्हें पिंपल हो ही रहे ना, तो उस केस में बस कुछ नहीं करना, नीम के पत्ते लो, उनको अच्छे से वॉश करो, वॉश करके ना उसको अच्छे से कूट लो, मतलब कूटना मतलब आपने मारना नहीं है, उसको अच्छे से उसका पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के बाद उसको स्किन पे अप्लाई करना है, जहां पे पिंपल हो रहे हैं वहां पे और अच्छे से अप्लाई करो, और उसको 5-10 मिनट्स के लिए ड्राई होने दो। ड्राई होने के बाद नॉर्मल वाटर से आपने उसको वॉश करना है। ये जब तुम पहली बार यूज करोगे ना, उसके बाद ही तुम देखोगे कि तुम्हारे पिंपल्स का जो साइज है ना वो काफी हद तक कम हो जाएगा, एंड 3-4 बार के बाद तुम्हारे पिंपल जैसे गायब हो जाएंगे। सो एक बार ट्राई जरूर करना। अब ये जो नीम के पत्तों वाली रेमेडी है ना, इसको सुन के कई सारे लोग ये बोलेंगे कि यार इतनी आसान सी चीज क्या हमारे पिंपल को दूर कर देगी, तो सच्ची में बता रही हूँ, ये रेमेडी जितना अच्छा काम करती है ना पिंपल्स पे, उतनी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रेमेडी काम नहीं कर सकती। इसलिए एक बार तो जरूर ट्राई करना, एंड उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके बताना कि तुम्हें कोई बेनिफिट इसके मिले या नहीं मिले। और फिर इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। आई होप तुम्हारे लिए ये वीडियो यूजफुल, इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को ना अपने उन फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना जिनको पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम है, ताकि वो भी इस रेमेडी को यार यूज कर पाए। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, बाय बाय।